प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 3.5 केसीसी नाम मैथ शुरू कर रहे हैं और इस प्रश्न को बनाने से लिए इस चैप्टर के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। सावधानी यह है कि आपको अगर प्रश्न जो भी अज्ञात राशि मानने के लिए कहे उसको आपको एक्स या वाई मानना चाहिए। जैसे यहाँ संख्याएं ज्ञात करने के लिए, जो भी आपको ज्ञात करने के लिए कहे या मान निकालने के लिए ज्ञात करने के लिए कहे या मान ज्ञात करे उसको हम लोग एक्स या वाई मान लेते हैं। जैसे यहाँ करें ज्ञात करें, तो आपको पहला प्रश्न है इस तरह से, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि प्रत्येक से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। देखिए तो इस तरह से प्रश्न अगर अनुपात दो बार आए तो पहला को हम लोग कॉन्स्टेंट बना लेते हैं, एक्स बना लेते हैं, दूसरा को बट्टा, यहाँ वाला के बट्टा में ले जाते हैं। ऐसे लिखते हैं, चूंकि अनुपात बराबर 5:6, इसलिए संख्याएं आपको हो जाएगा 5x और 6x अनुपात। अब कहता है प्रश्न से देखिए, प्रत्येक से 8 घटा लिया जाए, हो सकता है प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए कहा जाए, तो ऐसे करेंगे 5x माइनस में 8 बट्टा 6x माइनस में 8, यहाँ से बट्टा में ले आना है 4:5, ऐसे लिखेंगे। देखिए पहला के इस तरह से लिखना है, दूसरा के बट्टा में लिखना है। अब यहाँ से आप त्रिया गुना कर लीजिए, तो 5 से 25 में गुना, 5 से 5 में करेगा तो 25x माइनस में 8 बचे 40, और इसको करिएगा तो 24x माइनस में क्या 32, आप एक तरफ लाइएगा तो होगा 25x माइनस 24x, और आपको यह क्या हो जाएगा माइनस में 32 प्लस में 40, आपको x बराबर क्या आ जाएगा 8। आपने संख्या यह निकाला था तो 8 से इसमें भी गुना और 8 से इसमें भी गुना, इसलिए संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, संख्याएं बराबर होगा देखिए 8 से 5 में तो 8 बचे 40 एवं 8 6 48, तो संख्या कितना कितना हो जाएगा 40 और 48। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। तो 1 से लेकर 5 तक सेम कंडीशन के प्रश्न है और आप जरूर बना पाइएगा, तो आप कोशिश करते जाइए बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न मैं शामिल करता हूँ, यह आपको चैप्टर का पहला प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए और बी के आय का अनुपात 5:4, सोचिए आय है 5:6, तो 5x और 6x कर देंगे और उसका मासिक खर्च 7:5। आप सोचिए जितना कमाएगा ओकरे में से ना घटाएगा भाई, तो घटाओ खर्च करने वाला के 7:5 तो 7y 5y, यदि प्रत्येक 3000, तो भाई जितना कमाएगा उतना में से खर्च करेगा और उसके बाद बचाएगा। तो देखिए दो व्यक्ति था, आपको क्वेश्चन नंबर 6 ए का आय का अनुपात दिया है आपको, अनुपात बराबर 5:4, तो इसको आपको कर देना है 5x और 4x, ए का है और ये बी का, खर्च का अनुपात तो आय और खर्च एक ही रहेगा, नहीं कुछ ना कुछ कम जरूर रहेगा, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ बना जाना चाहता है, तो खर्च का अनुपात है 7:5, तो खर्च के बना दीजिए 7y 5y। देखिए अब कहता है बचत जो है दोनों बचा लेता है 3000 रुपया, दोनों कितना बचाता है 2 3000 रुपया, तो उनकी मासिक आय आपसे आय पूछ रहा है। अब देखिए ए जो है कमाता है 5x और बी कमाता है 4x, ए खत्म करता है 7y और बी खत्म करता है 5y, और दोनों बचा लेता है कितना 3000, तो जितना कमाएगा उतना में से घटाएगा से बचेगा, जितना कमाएगा उतना में से घटाएगा से बचेगा। तो प्रश्न से जब ए ला बनाइएगा तब 5x कमाया, ठीक है, 7y घटाया और 3000 बचाया, हाँ या ना, बचाया। फिर उसी तरह से बी कितना 4x कमाया 5y घटाया और 3000 बचाया, यह समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, हल करने का तरीका आपको पता है, आप 5 से 7 में गुणा कर दीजिए और 7 से 6 में गुणा कर दीजिए 5 से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, तो 7 5 35x माइनस में 7 7 49y बराबर में कितना 21000, आप किसी भी रूप से हल कर सकते हैं, 20x माइनस में 25y बराबर में कितना 15000। अब यहाँ से आपको माइनस प्लस माइनस, थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोगों ने
गुना जब हम लोग हल करते हैं तो माफ करिए इस तरह से ना हल करते हैं, यहाँ से पाँच से गुना और इसको में सात से गुना, तो पाँच से पाँच में गुना करेंगे तो पच्चीस एक्स माइनस में सात पचे, सात पचे के पैंतीस वाई बराबर में छः पचती के पंद्रह हजार। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा। सात से सचों के अट्ठाईस एक्स और माइनस में कितना पैंतीस वाई बराबर में कितना सत्तर के इक्कीस हजार। अब यहाँ से हम लोग माइनस प्लस माइनस यहाँ से यह कैंसिल, ये कितना बचेगा आपको माइनस में तीन एक्स बचेगा और बराबर में माइनस में कितना छह हजार बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से आप एक्स का मान निकालिएगा तो आपको एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक्स का मान वहां से हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स का मान, आप लोग खुद भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स का मान निकालने पर आपको माफ करिए एक्स का मान निकालने पर कितना आएगा देखिए, इसलिए एक्स बराबर दो हजार रुपया, तीन से छह दो बार में दो हजार रुपया आ जाएगा। अब एक्स का मान आप एक या दो कोई में रख दीजिए, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है आय का मान पूछ रहा है, कह रहा है तो उसका आय कितना है, तो आय ला आपको एक्स निकालना है, इसलिए ए बराबर पांच एक्स बराबर में दस हजार, दो हजार से गुना, बी बराबर चार एक्स बराबर में कितना आठ हजार। आशा करते हैं आप क्वेश्चन नंबर छह भी बना पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर छह समझ में आया है तो आप खुद ही हल करने की कोशिश करिए, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और मेहनत करिए ताकि और भी आप बेहतर बना सके। इस तरह से आपको यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अभी से पांच मिनट ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर सात से लेकर क्वेश्चन नंबर ग्यारह तक आप निश्चित ही एक ही प्रश्न में सब बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सात से बारह तक हल करने के लिए आप पहले ध्यान से हमारी बातों को सुने। जब आपको कह दे नियत भाड़ा, नियत का मतलब होता है कि एक महीना के एक बार बात हो गया कि हम एक महीना के चार हजार रुपया देंगे। जैसे मान लीजिए कि रूम रेंट का है तो रूम रेंट में कोई तय किया कि एक महीना के हम दो हजार रुपया लेंगे, लेकिन एक महीना से एको दिन ज्यादा रहा तो हम रोज लेंगे पाँच सौ रुपया, दो दिन में एक हजार रुपया, तीन दिन में पंद्रह सौ, ऐसे लेंगे। तो अगर प्रश्न में नियत के नाम ले लेगा तो अगर हम कहें कि नियत भाड़ा एक सौ, एक दिन में हम ले रहे हैं पाँच सौ रुपया, तो दो दिन में कितना लेंगे दो एक हजार रुपया, तीन दिन में कितना पंद्रह सौ। तो आप कह रहे हैं कि जितना रोज के कह रहा है ओकरा से रोज वाला में गुना करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सात से लेकर ग्यारह तक प्रश्न सेम कंडीशन का कैसे बनाते हैं, नियत भाड़ा को एक्स मान लेते हैं और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होता है उसको में हम लोग वाई से गुना कर देते हैं। ऐसे कहता है कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर तय की गई भाड़ा जुड़ा है, यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया, देखिए 12 किलोमीटर चला और 45 रुपया, तो आप सोचिए नहीं, पहले मान लीजिए माना नियत भाड़ा बराबर एक्स रुपया, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई रुपया, ये फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ से प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से तो जहाँ पे अंक आता है वहां पर रुकना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया, तो 12 किलोमीटर नियत है कि गिनती है, एक दो तीन 12 किलोमीटर गिनती में है, तो हम लोग नियत में लिए डायरेक्ट लिखते हैं एक्स प्लस 12 वाई। देखिए एक्स प्लस नियत वाला फिक्स रहेगा, एक्स प्लस 12 वाई बराबर में 45, समीकरण वन। फिर प्रश्न से जैसे कह रहा है कि 20 किलोमीटर चलकर 73, तो फिर नियत वाला छोड़ देंगे, x प्लस 20 वाई बराबर में 73, समीकरण दो। इसी तरह हर प्रश्न के आपको करना है, नियत जितना कहेगा उसको x छोड़ दीजिए और जितना कहेगा उसको मैं y से गुना करके जितना राशि लिया है वो बराबर में ले जाइए और समीकरण एक और दो को हल कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आठ इसी तरह से सुन लीजिए। कहता है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा निश्चित रूप से फिक्स है, एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यात्रा करने पर 690 रुपया, तो फिक्स कर दीजिए x प्लस 110 वाई बराबर में 690। और फिर कहता है एक तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050, तो फिर x प्लस 200 वाई बराबर में 1050। इस तरह से समीकरण एक और समीकरण दो बन जाता है। तो आप इसको हल कैसे कर सकते हैं, आप देखिए दोनों में बराबर है, दोनों में क्या है बराबर, तो समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एवं दो से हल करेंगे तो x प्लस 12 वाई बराबर में 45 और x प्लस 20 वाई बराबर में कितना 73, तो ये माइनस माइनस माइनस
यहाँ से यहाँ कैंसल, आपको माइनस में 8y बच गया। तो आप 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 बचेगा, 13 में से 5 घटाइएगा 8, या आपको 6 में से 4 घटेगा तो 2। देखिए 73 है ना, 73 रुपया चुकाता है 20 किलोमीटर ला, तो ठीक है 12 किलोमीटर ला 45 रुपया। तो एक्स एक्स कट गया, ये माइनस में 8y, और 13 में से 8, 13 में से 5 घटाए तो 8, 6 में से 4 घटाए तो 2, तो 8y बराबर आपको माइनस 28, इसलिए y बराबर आपको आ गया 28/8। आप काट दीजिएगा तो 7 चौके 28 और 2 चौके 8, 7/2 आ गया। ठीक है, तो कहता है और तो प्रति किलोमीटर, दोनों किलोमीटर के लिए आपको भाड़ा ज्ञात करना है। फिर y का मान रख दीजिए, फिर y का मान समीकरण एक में, जब y का मान एक में रखिएगा तो x प्लस 12 गुने 7/2 बराबर में 45। देखिए इससे ही कट जाएगा 6 बार में, तो आपको x बराबर x प्लस 42 बराबर में 45, तो x बराबर कितना 3 रुपया। तो इस तरह से आपको मान आ जाता है, वो x रुपया है, ओके 3 रुपया। तो इस तरह से आपको यह प्रश्न सोल्व हो जाता है। तो कहता है इस प्रश्न का केवल कि भाड़ा और समीकरण इस कथन को केवल युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो युगपत समीकरण के रूप में आप इसको एक समीकरण हो गया या दूसरा समीकरण के रूप में हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर तय किया गया भाड़ा भी ज्ञात करिए। तो इस तरह से नियत भाड़ा आपको x बराबर था 3 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर था आपको 7/2 यानी 3.5 रुपया। तो इस तरह से आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सेम प्रश्न है, फिर भी मैं आपको एक और प्रश्न समझा दूं ताकि और भी आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ देखिएगा, सेम कंडीशन के प्रश्न है। कहता है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा एवं प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। तो हम मान लेंगे नियत भाड़ा बराबर एक्स रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर प्रतिदिन भाड़ा बराबर वाई रुपया। ठीक है, हम आपको कह देंगे नियत भाड़ा ज्यों के त्यों रहेगा। प्रश्न से चलेंगे तो एक्स प्लस, देखिए नियत भाड़ा कहता है एक व्यक्ति 110 किलोमीटर के लिए 690 रुपया, तो 110 तो हम लोग प्रति किलोमीटर में गुना करते हैं 110y बराबर में 690 समीकरण 1। फिर कहता है कि 690 और 200 किलोमीटर के लिए 1050, तो x प्लस 200y बराबर में 1050। इस तरह से समीकरण 2। आपको नियत भाड़ा के केवल जोड़ के चलना है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर, या तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सेम कंडीशन के ऐसे ही बनेंगे, आप हल कर दीजिए। अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से जब चलेंगे तो देखिए उसी तरह x प्लस 10y बराबर 690 और आपको x प्लस 200y बराबर में 1050। अब यहाँ से चिन्ह बदल दीजिए, तो यहाँ से यह कैंसल, माइनस में 200 में से 110 घटेगा तो माइनस में 90 बचेगा, 90y बराबर में ही देखिए 0 के 0 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, आपको 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, इस तरह से ही कट जाएगा 9 चौके 36। आपको y बराबर कितना आ गया 4, तो y का मान आप कितना में रख दीजिए एक में, y का मान समीकरण एक में, जब y का मान समीकरण एक में रखेंगे तो देखिए x प्लस 110 गुने 4 बराबर 690, तो 690 माइनस 104 चौके 1144 440, 0 9 में से 4 जाएगा तो 5, 0 के 0 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा 2, x बराबर कितना 250। यानी नियत भाड़ा, आपको नियत भाड़ा कहता है कि नियत भाड़ा कितना था, और तो नियत भाड़ा था आपको 250 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा था कितना
₹4। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर सकते हैं। नियत भाड़ा 250 और प्रति किलोमीटर के भाड़ा कितना 4। आशा है आपको जरूर बनाने आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे प्रश्नों को आप इसी तरह हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल समीकरण ही बनाना था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 के पहला सुन लीजिए। 25 दिन के लिए ₹1750 तो बनेगा x प्लस 25y बराबर 1750 और फिर x प्लस 28y बराबर 1900। क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा x प्लस 20y बराबर 1000, फिर x प्लस 26y बराबर में 1180। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में बनेगा दो आदमियों के लिए ₹3900 तो x प्लस 2y बराबर 3900, x प्लस 5y बराबर 7500। क्वेश्चन नंबर 11 में बनेगा x प्लस 13y बराबर 96 और x प्लस 18y बराबर 131 और यही आपका आंसर होगा। तो आप जरूर बनाएं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।